गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के जो है 6 बज रहे हैं और अब ठंड आ गई है, तो मैंने स्वेटर डाल रखी है और आज जल्दी उठ गए हैं और अभी काम भी मेरा हो गया है सुबह का। तो आज हम लोग को जाना है एक ट्रिप पर, जहाँ हम लोग सब जा रहे हैं, मेरी सिस्टर वगैरह सब जा रही है, सिस्टर ब्रदर सब और आसू आसी भी जा रहे हैं। तो अभी वहाँ उम्मीद है कि बहुत सारा मस्ती हम लोग करेंगे, तो मेरा पूरा ब्लॉग को देखिएगा। तो मिलते हैं फिर, अभी पहले रेडी होते हैं जाने के लिए। अरे आओ ना। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं, जो प्लेस है वो चारों तरफ जंगल है, बीच में बहुत ही अच्छा प्लेस है जो देखने लायक है, आप लोग भी पूरा देखिएगा ब्लॉग को। तो बस अब इन लोग यहाँ प्लेस में आया नहीं कि इन लोग का उछल कूद स्टार्ट हो गया। नंदी बाबा के पास आशीर्वाद लेने आया दोनों, और ये आसी अपना बैग लेके आई है, इतना सारा ड्रेस सबका इसी में हम लोग का। अभी हम लोग यहाँ नदी भी है, उसमें जाएंगे भी नहाने के लिए। और देखिए आसू को देखिए, अरे बेटा कहाँ जा रहा है। और उधर भी टेंपल वगैरह बना हुआ है, ढेर सारा यहाँ टेंपल है। और ये देखिए पूरा जो है गेंदा का प्लांट है पूरा लगा हुआ, मैरीगोल्ड प्लांट। और उधर भी प्लेस है, हाँ ये टेंपल है, शिव टेंपल। हम 15 साल बाद आ रहे हैं, ये 15 साल से भी ज्यादा, मतलब जब दादी के साथ आते थे, बाबू इतनी बड़ी थे तब, उसके बाद से तो आए ही नहीं है। 2010 में पैदल 2010 में आए, बहुत दिन हो गया यार। अरे पूछ रहे हैं, ओ माया पवित्र हा पवित्र वास रवा संग। तो गाइस, अभी हम लोग नहा के आ गए नदी से, और अभी पंडित जी के पास जो है अभी पूजा करवा रहे थे, जल का संकल्प पहले करवा लिए, उसके बाद अब जाएंगे मंदिर वहाँ पूजा करने के लिए। तुम लोग घर से कुछ लेके नहीं आए थे, फूल बेलपत्र वगैरह, तो यहाँ बेलपत्र रखा हुआ है, तो उसी को पहले थोड़ा तोड़ लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। अब तो मीडियम नहीं आएगी, जा रहे हैं मंदिर रास्ते में से होके, और पीछे का व्यू देखिए कितना अच्छा है। अभी बिट्टू जो है वो फूल तोड़ रही है, और आसू आसी दोनों आ रहे हैं, देखिए पीछे का भी कितना अच्छा है। यहाँ आ रही है, बहुत मस्ती की आज नई नदी में। तो पहले हम लोग शिव मंदिर में पूजा कर रहे हैं, देखिए यहाँ जो है शिव जी वो ज्यादा नीचे है, मतलब नारियल हम फोड़ेंगे।
भीम लोग आ गए हैं दूसरा मंदिर में, बजरंगबली का मंदिर में। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं पीछे जहाँ पहले का मंदिर है, पुराना मंदिर। तो अभी ये जो मंदिर दिख रहा है इसमें ना सांप रहता है। सब कोई कहता है कि दादी सब बताती है कि जब नाग पंचमी के दिन यहाँ सब आता है दूध पिलाने के लिए, और यहाँ नाग और नागिन जो सांप हैं वो निकलते हैं। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, और भी मंदिर है इधर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये भी मंदिर है। तो देखिए ये भी है, बजरंगबली का ही मंदिर बना हुआ है। बहुत सारा मंदिर बना हुआ पूरा इतना दूर में। हम लोग पीछे आ गए, ये सब पहले का मंदिर है। इसमें यहाँ जो बाबा रहते थे उनका बना हुआ है। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं सबसे पीछे, यहाँ बना हुआ है नाथ जी का। तो गाइस पूजा हो गई, लेकिन यहाँ हम लोग को ना बहुत सारा गिलहरी दिख गया। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी प्यारी है। तो अभी हम थोड़ा कैच करने का कैमरा में उसको लेने का कोशिश कर रहे हैं। दिख रहा होगा वो आवाज़, थोड़ा सा भी साउंड सुनती है तो भाग जाती है ना। तो देखिए गिलहरी दिख रही है। तो अभी हम लोग पूजा कर लिए तो सोचे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो ले लिए। तो गाइज अभी पूजा हो गया, और देखिए आज हम लोग कैसे लग रहे हैं। तो इतना बड़ा बड़ा टीका लगा दी वहाँ जो थी ना साध्वी वो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ खाएंगे, यहाँ छोटा सा होटल है उसी में। तो देखते हैं आज क्या मिलता है। तो गाइज ये देखिए आंसू गिर गया, चलने का उठ बेटा, उठ उठ उठ, ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा। आशी भी जा रही है, वानी भी आगे जा रही है, और वरुण भी जा रहा। आशीष चला गया बाइक के पास। तो अब देखते हैं, और ये उधर रहा छोटा छोटा सा दुकान है, तो उसी में हम लोग अभी कुछ ब्रेकफास्ट। तो गाइज हम अभी आ गए हैं होटल में, यहाँ छोटा सा होटल है, उसमें सब चीज मिलता है खाने के लिए है। इडली बना हुआ है, कचौरी भी है, सब्जी भी है। तो अब देखते हैं क्या अच्छा होगा, खा के देखते हैं। लॉकडाउन के बाद तो फर्स्ट टाइम हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, जल्दी हम लोग बाहर खाना नहीं खाते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ क्या क्या अच्छा लगता है। तो आशीष और वरुण भी आ रहा है, और आंसू कप में लेके पानी लेके मस्ती कर रहा है। और इन लोग कुरकुरे खरीद लिया था तो बस वही खा रहा। तो इडली आया, और इडली के लिए सब टूट पड़ा, टेस्ट करने के लिए कैसा है। सो जाएगा एक बार हमको भी खिलाओ इडली खाना पीछे, ठीक है एक बार हमको। हाँ पहले इडली खा लो, पहले कचौड़ी खाइए। इडली आ गया और नीसू इडली पे टूट पड़ी है। दो दो कचौड़ी, ये आंसू को देखिए वो पानी पी रहा है। तो इडली आने के बाद हम लोग चौकी पर ही खा रहे हैं बैठ के, एक चौकी लगा हुआ छोटा सा उसी पर। कचौड़ी और सब्जी भी आ गया, तो इडली और कचौड़ी सब्जी सब हम लोग खाना खाए। हम तुम खाएंगे, लेकिन पानी का कलर बहुत गर्म है और टेस्टी है, अच्छा लगता है पीने में, लेकिन कलर उसी तरह है। बोरिंग का पानी, बोरिंग पास है ना, इसीलिए ना उसी चलती है। पेस्ट में डाला हो ना वही है। तुम लोग कहाँ कहाँ घूम के आ रहा है? उधर अकेले नहीं मन लगा, गर्मी लगा उधर धूप में बैठा था, फोटो खा ले। हम सब्जी खा रहे और ले जा इतना खा है पेट भर गया तो। अरे दो नम्मा जंगल का नाश्ता, चारों तरफ से जंगल दिखा दो जंगल। बाय।
ये जिसका ढक्कन और बीच में ये दुकान है, टेम्पल है यार, गार्डन जैसा लग रहा है, लेकिन है तो जंगल ही ना, उधर खेत देखती नहीं है। जलेबी खा खाने के बाद मीठा खाएंगे। देखो बोतल लेके जा रहा है, छोटका पानी वाला देखो आसिया भी खा ही रही है, कंटिन्यू है जलेबी तो, गर्मा गर्म जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी खा रही है वो, मार मार के खा रही है। धार्मिक स्थल का ब्रेकफास्ट, हाँ ये धार्मिक स्थल का ब्रेकफास्ट था लॉकडाउन के बाद खा। लहसुन प्याज जलेबी चढ़ा रहा है यहाँ पे, देखिए चारों साइड से जंगल है, चारों साइड से जंगल और यहाँ पे हम लोग बैठे खा रहे हैं। मजा आ गया खाना खा के, इडली सांभर ना टेस्टी टेस्टी। अब मन कर रहा है सो जाए आराम से, बैठ भी जाता सो जाते। इसको दिखाओ कैसे जलेबी खाते हैं दीदी। 235 कोई भी आइटम बाद में ऑर्डर दीजिएगा, आने से पहले वो भी मिलेगा, या तो मेरे पास जो बना है वो ले। लहसुन प्याज का इतना महंगा बना है, रोज बना है। 10 बज गए हैं और अब हम लोग जाते हैं घर के सफर में, हम लोग घर जा रहे हैं, यहाँ ब्रेकफास्ट भी कर लिए। ये था होटल, देखिए शुद्ध शाकाहारी होटल। और ये आसी आज तुम कितना कचौड़ी खाई बेटा? हम दो खाए, नहीं चार खाते हैं। और इडली दो, तो आज आसी सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट किए घर में, तो बोलते थक जाते हैं, आप लोग देखते ही होंगे ब्लॉग में। और निशु ये तो सब्जी का सूप तक नहीं छोड़े, सब्जी खाए। रेसिपी पूछ रहे हो? रेसिपी चना आलू सब्जी, तो एक प्लेट इडली खाए, एक प्लेट जो घर में इसको रोटी खाने में ऐसा लग रहा है। एक गाड़ी में कितना लोड होगा? आज तुम कितना खाए? और ये देखिए बैठो, देखिए दीदी एक गाड़ी में कितना आदमी को ले जाएगा? पांच आदमी जाएगा इस बाइक में। भाड़ा भवन बना हुआ, यहाँ शादी भी होता है। तो गाइज अभी हम यहाँ से जा रहे हैं घर, यहाँ पूजा भी हो गया, नहा भी लिए, ढेर सारा मस्ती भी कर लिए सबके साथ, और अब ब्रेकफास्ट भी हो गया, अब घर जाके ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तो गाइज हम यहाँ ओवरवाइज करते हैं और क्योंकि बाइक से हम शूट किए हैं वीडियो को, तो साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो देखिए अभी हम लोग बाइक में जा रहे हैं और निशु जो ये जंगल में लगा हुआ ना पेड़, उसको तोड़ लिए हाथ में और उसी से मस्ती करते हुए जा रही है। हम इसको मना कर रहे हैं कि बाइक में ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर और ये जंगल के रास्ते से हम लोग आए थे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। ये इधर में आलू वगैरह लगा हुआ है, इधर बहुत ज़्यादा खेती होता है, तो वो सब लगा हुआ है पूरा खेती। तो गाइस अभी रात के बज गए हैं 11 और हम लोग आ गए थे 1 बजे तक घर पहुंच गए थे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ थक गए थे। और आंसू वहाँ खाना नहीं खाया था ना होटल में, तो उसको हम आए उसके बाद खाना बनाए तब उसको हम खिलाए, वो ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाता है, तो अभी वो सो गया है। देखिए सो गया है आंसू। और अब हम ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय, गुड नाइट।